तो फिर ले लो आप, 70 में अमन कमिंग होम बैक टू सोल आफ्टर पीएमसी। यस हाँ, तो सीन ये है गाइस, मामा एक सेकंड में बता देता हूँ चैट को, उसके बाद माइक ऑन करता हूँ, ठीक है? एक सेकंड। तो मैं शुरुआत में सोल में था, आप लोगों को पता ही है। सो तब लाइनअप जो था मेन अपनी टीम सोल का, वो था ओविस, रोनक, वाइपर और मॉर्टल, आप सब लोगों को ये पता है, ठीक है? ये लोग जब बर्लिन जा रहे थे, उससे पहले हम लोग मे और स्लेयर बहुत स्ट्रगल किए इसमें कॉम्पिटेटिव लाइन में, जिसमें हम दोनों ही साथ में खेलते थे, हमको टीम मिल नहीं रही थी, मतलब हमको दो प्लेयर अच्छे नहीं मिल रहे थे। बट सिनिस्टर और मैक्सिक्स के टाइम उस टाइम भाई तो सिनिस्टर और मैक्सिकस जो थे, उन लोगों के पास कोई लाइनअप नहीं, मतलब उनके पास कोई डिवाइस नहीं था, आप लोगों को ये पता है। तो वो लोग इतना अच्छा खेल भी नहीं पा रहे थे, तो हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे बहुत सारे कस्टम्स खेलने के बाद, हम लोग करें क्या। तो फिर उसके बाद हमको एक लाइनअप तो चाहिए ही थी, क्योंकि हमको हमारा परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ाना था, क्योंकि पहले से हम लोग बहुत पीछे थे। हम लोग कॉम्पिटिटिव चालू किए जब टीम सोल ऑलमोस्ट 6 महीने से प्रैक्टिस कर रही, सारी टीम्स प्रैक्टिस कर रही, पर हमको फिर भी कोई लाइनअप नहीं मिल रहा था। देन मी एंड स्लेट डिसाइडेड लेट्स फाइंड न्यू प्लेयर्स और किसी का दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते, बिकॉज हमको ई स्पोर्ट्स खेलना था। और ई स्पोर्ट्स आप 16 साल से लेकर के 25 से 30 साल तक ही खेल सकते हो, बिकॉज उसी टाइम पे आपका जो माइंड है वो फास्ट काम करता है, आप लोगों को ये पता है। तो मैं अपनी लाइफ का ज़रा भी मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं और मी एंड स्लेयर। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, अगर इधर से नहीं हो रहा है तो फिर अपन नहीं मिल रहे बंदे अपने को, तो लेट्स ज्वाइन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमको पीएमसी। देन मैं फिर मेरे को जाते क्या थे, मेरे को पीएमसीओ में हम लोग जब रूम में बैठे थे, सो घातक मेरे साथ था। देन घातक मुझे बोला था कि अमन साथ में कभी खेलेंगे अपन, बस मुझे इतना याद है। तो उसके बाद मेरे को वो बात याद थी कि ये बोला था मुझे, तो मैं उसको मैसेज किया था अभी अपने जब ये लोग मिलान खेल रहे थे उस टाइम बीच में मैसेज किया था जब मुझे लाइनअप चाहिए थी। तो इनका परितोष और उसका जम नहीं रहा था, तो मेरे को ये बात बाहर आई थी कि ये परितोष और इनका जम नहीं रहा है, सो लेट्स कॉन्टेक्ट विद। तो मैं उससे बात करी कि कोई स्लॉट वॉट है क्या लाइनअप में, मैं लेट्स ट्राई मी, यू कैन ट्राई मी इफ़ यू वांट। तो उसने बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर नियो भी मान गया था, जॉनाथन तो मेरे साथ पहले खेला हुआ ही था, सो हम लोग साथ में खेले। देन मैंने इनको पहले से बोल रखा था कि अगर जैसे जब भी सोल में कोई नया लाइनअप आएगा, इफ़ दे टोल्ड मी टू कम बैक तो मैं जाऊँगा, मैं उनको ये बोला था। बट पीएमसी उस टाइम तक रजिस्टर हो चुका था, हम लोगों का अच्छा बन सेट हो चुका था। देन पीएमसीओ के लिए मैं आ नहीं पाया सोल में। देन हुआ क्या, मैं जब एनटीटी में गया और उसके कम से कम 15 दिन बाद मेरे को पता चला कि टीम सोल डिसबैंड हो चुका है, जिसमें से कुछ आपको पता ही है, ये मिल बर्लिन वाला सीन, बर्लिन में जो हुआ था वो। तो उससे 15 दिन पहले ही मैं एनटीटी में गया था और हमारा अच्छा चल रहा था, मतलब हम लोग थोड़ा पोजिशन ला रहे थे, तो उनको इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्लेयर का थोड़ा दिक्कत दे रहा था, स्लेयर का अभी अच्छा चल रहा है, बट स्लेयर का बहुत दिक्कत दे रहा था वो जब भी INT में गया था, बिकॉज जो वो टीम अग्रेसिव थी और स्लेयर थोड़ा सा पैसिव प्लेयर था, तो उधर से उसको दोनों उन तीनों को भी दिक्कत आ रही थी थोड़ी कि कैसे खेलना है, और स्लेयर को भी बहुत दिक्कत आई इसमें। तो स्लेयर का थोड़ा फिर भी वीक ही चल रहा था ये चीज़ में, फिर अभी अच्छा खेल रहे हैं वो लोग, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब अच्छे से जम गया है उनका इतने टाइम बाद। देन आफ्टर हमारा ये सीन हुआ, क्या कहते हैं, हाँ, मॉर्टल और ये लोगों का जब सोल डिसबैंड हुआ अपना, देन तब मुझे मॉर्टल का मतलब मॉर्टल और सब लोगों का मेरे को फ़ोन आया कि डू वॉन्ट टू जॉइन सोल अगेन। मैं कहा ऑफकोर्स, मैं उस टाइम ऑफकोर्स डायरेक्ट मुँह पर नहीं बोला मैंने, बिकॉज मैंने PMCO में रजिस्टर करा लिया था विद NTT, बिकॉज आई डिडंट नो ना कि इनका ये सब होने वाला है आगे सीन, मतलब ना सोल डिसबैंड होगा, और ये मुझे पता थोड़ी ना था, उससे पहले रजिस्ट्रेशन चालू हो गए थे और रजिस्टर करा दिया था। देन
फाइनली अभी जब उनका सेट उनका एक्चुअली अच्छा चल रहा है, एनटीटी गेमिंग का भी वीरू के साथ अच्छा चल रहा है, दे टोल्ड मी कि हम वीरू के साथ हमारा अच्छा जम रहा है। सो पीएमसीओ में वीरू खेलेगा मेरी जगह, बिकॉज उनको वीरू से बेटर परफॉर्मेंस मिल रहा है। मेरे से इतना नहीं मिल रहा था क्योंकि वीरू थोड़ा उनके हिसाब से प्लेयर के हिसाब से जम रहा है। सो मैंने कहा इट्स ओके फाइन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एज ए फिफ्थ प्लेयर मैं बैठ बैठ जाऊंगा। जब तक सोल में जाना ही है वैसे मेरे को नेक्स्ट टाइम, तो यू कैन टेक वीरू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतनी सा सीन हुआ है और अभी अच्छा खेल भी रहे वो, अच्छा परफॉर्म भी किए इसमें ये लोग, आप लोगों ने देखा होगा कस्टम्स में, एनटीटी गेमिंग अच्छा परफॉर्म कर रही 2 दिन से वीरू के बाद। सो या कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो फिर बीच में अभी वो सीन तो मैं कुछ बताने वाला हूँ नहीं कि हाँ उस रात को क्या हुआ था, जिस टाइम मैंने बहुत कुछ बोल दिया था फोकट, वो अभी आप भूल जाओ बिल्कुल, दिमाग से निकाल दो ये सब कुछ हुआ भी था। एंड प्लीज़ जितने भी कंटेंट क्रिएटर है जो कंट्रोवर्सीज के वीडियो डाल रखे, अगर हो सके तो वो वीडियो निकाल देना, बिकॉज अब उसका कोई मतलब नहीं है, वो याद करके मेरा ही उल्टा दिमाग ख़राब होता है। सो क्या हुआ था कैसे हुआ था मैं वो कुछ भी चीज़ बताने वाला नहीं हूँ, इतना एकदम से गुस्सा कैसे आ गया था या फिर इतना क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने ये सब बोला, और फिर अभी क्या हुआ वापस, तो ये सब तो रिवील नहीं होगा। बस हाँ कि मैं टीम सॉल ज्वाइन टीम सॉल मतलब सॉल क्लैन वापस ज्वाइन कर रहा हूँ आफ्टर पीएमसीओ, तो 10 तारीख तक मेरे को एनटीटी में एनटीटी का नाम रखना पड़ेगा, बिकॉज अभी मैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, सो आई कैन पुट अ डिफरेंट नेम राइट। वो तो मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया था, सोल अमन का दूसरा अकाउंट था मेरा, क्या आई एम गोना बी ज्वाइनिंग द, अभी स्लेयर का फाइनल नहीं है, बस मैं इतना बता दूँ स्लेयर का अभी नहीं है, लेट्स सी व्हाट हैपन। सो वापस जब मैं आप अगर लिटरली आप मॉडल से पूछ भी लेना भली, मैं उसको 3 महीने से पहले से पूछ रहा था, जब ड्रीम हैक चालू हुआ था ना तब से मैं उसको मैसेज डाल रहा हूँ, ब्रो आई नीड अ लाइनअप, मेरे को भी खेलना है, मेरे को भी है ना ये सब कस्टम्स रूम्स और ये पीएमसीओ वगैरह जितने भी टूर्नामेंट्स से जो खेलने हैं। बट वो भी क्या कर सकता है, मतलब एक छोटी सी बात है, एक प्लेयर को आप पूछोगे कि मुझे लाइनअप चाहिए जो क्लिंकर डे, वो क्या करेगा बताओ, उसने प्रोवाइड करा है, उसने उससे जितना हो सका उसने किया, उसने जेरेफ को उसने बोला कि जेरेफ को हमने उसको सजेस्ट किया कि तुमको कौन सा प्लेयर चाहिए बताओ नाम बताओ, तो हमने जेरेफ बोला, हमने जेरेफ का गेम प्ले देखा, हमको अच्छा लगा, जेरेफ का गेम प्ले अच्छा है नो डाउट, बट जेरेफ इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल विद अस, मतलब हम लोगों का हमारा जो गेम प्ले स्टाइल है उससे हम नहीं जम पा रहा था जेरेफ के साथ। सिनिस्टर मैक्स के फिर हम लोग लिए सोल में वापस कि लेट्स सी इनके साथ हमारा जमे, तो हमने ये सारे प्लेयर्स को सोल में लिया फॉर लाइनअप, और उसने बिल्कुल भी मतलब हिचकिचाया नहीं मॉडल के, यार इनको लाइनअप में तुम मतलब सोल टीम सोल क्लेन में क्यों डाल रहे हो, सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला, क्योंकि वो उसकी टीम थोड़ी ना ब्रेक ले करेगा हमारे लिए राइट, क्योंकि उसकी तो अच्छा चल रहा था ना ओविस रोनक वाइपर, ओविस रोनक वाइपर और मॉडल, सो ऐसा तो होगा नहीं कि वो ब्रोक करके मेरे को स्लेयर करेगा राइट। तो जब तक कोई अच्छी टीम नहीं मिल जाती तब तक हम सोल में हम 4-5 महीने से स्ट्रगल किए, फिर नहीं मिल पा रहा था नहीं जम पा रहा था, देन वी डिसाइडेड टू ज्वाइन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और और वो भी कब तक, जब तक हमको अच्छा लाइनअप या फिर एक अच्छी टीम नहीं मिल जाती सोल में तब तक। बट अभी रेगल्टॉस वगैरह सब लोग आ चुके हैं सोल में, देन या लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो यही सीन था, दैट्स वाई एनटीटी का जो भी है जो सीन है, तो बस यही हुआ था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है कि ऐसा कुछ लड़ाई वड़ाई कुछ कुछ हुई नहीं है कि एनटीटी के साथ। ओ शिट ऑल लॉल, ओ भाई अरे मेरे को ठीक है मैं गाड़ी से जॉइन कर लूँगा।